तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पे मैं बात करूँगा कि अक्सर गाड़ियों में चोरी होती रहती है, पैसे की ज़्यादा चोरी होती है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है पैसा और औरत, इनके ऊपर किसी की भी नज़र डिग सकती है या फिर कुछ भी हेरा फेरी वो कर सकते हैं, कुछ भी आगे पीछे कोई नहीं सोचता है। जब इन दो चीज़ों की बात आती है तो गाड़ी के अंदर आपको कैसे सेफ़ रहना है और आप कैसे अपने पैसों को सेफ़ रख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कुछ मैं आपको बातें बताऊँगा, कुछ ऐसी टिप्स दूँगा, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके जीवन में कभी ऐसी दुर्घटना नहीं आएगी कि आप किसी चोरी का सामना हो सके। वैसे तो आप सभी को ज्ञान होगा जो ड्राइवर है, लेकिन जो न्यू ड्राइवर होते हैं फिलहाल, जिन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया है, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, कम उनको थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन कुछ बातें आपको बताऊंगा। देखिए, चोरी कौन करता है? चोरी वही करता है जो ड्राइविंग की लाइन को जानता हो, वो जानता हो कि ये पैसे कहाँ पर रखते हैं, किस किस जगह पैसे रखे जाते हैं गाड़ी के अंदर, वो उसी जगह पर चोरी करता है। जैसे यहाँ पर रख दिए, या फिर सीट के नीचे रख दिए, या फिर इस सीट के नीचे रख दिए, या फिर कहीं ऊपर की तरफ रख दिए, किसी टांकी पे यहाँ पे रख दिए, वहाँ पे रख दिए, लॉक करके रख दिए। जब भी आप किसी होटल पे रोकते हो या फिर किसी जाम में, या फिर मान लीजिए रात के अंधेरे में जब आप जाते हो तो अचानक से आपके सामने कुछ ऐसा करे कि आपको गाड़ी रोकनी पड़े, या फिर जाम में कोई भी सुनसान इलाका है वहाँ पर गाड़ी आपको रोकनी पड़े, तो बहुत बार होता है कि हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है। और चलिए हाथ अफाई हो गई तो उससे कुछ नहीं, लेकिन पैसा ज़्यादा अगर आपके पास कुछ कैश है, 50,000, 1 लाख रुपए या कुछ भी मान लीजिए, वो आपके जेब से कटेगा, न कि उसको मालिक मानेगा कि हाँ इसने ये जो है इसके साथ चोरी हो गई, तो वो आपकी जेब से कटेगा। तो आपको एक तो ये बात करनी चाहिए कि कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे आपके साथ कितना ही खास आदमी हो, उसके सामने कभी भी पैसा ना रखे। बल्कि मैं आपको राय दूंगा कि अपने जो कंडक्टर रखते हैं उनके साथ भी आप कभी भी उनको दिखा करके पैसा ना रखें, बिल्कुल भी उनको भी ये पता नहीं होना चाहिए कि इस गाड़ी के अंदर पैसा रखा है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि कभी भी किसी की नीयत फिसल सकती है, अच्छा अच्छों की नीयत फिसल जाती है इसके पीछे, और लड़कियों या फिर औरत के पीछे। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, कोई भी कितना ही संबंधी हो या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति को तो गाड़ी में कभी भी ना बैठाएं, सोच समझ के गाड़ी में किसी व्यक्ति को बैठाएं जो आपकी जान पहचान वाला हो। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कभी ज़्यादा से ज़्यादा एक गुप्त जगह बनाएं, जिसको कोई नहीं जानता हो, सिर्फ आप जानते हो, और हो सके तो एक लॉक बनवा लें या फिर एक ऐसा तालाक टाइप का कुछ बनवा लें नीचे की तरफ, या फिर कहीं भी और भी बनवा सकते हैं आप, एक बॉक्स लगवा लें सबसे अलग। आपके अंदर भी इतना दिमाग तो होगा, या फिर उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कहाँ पे बॉक्स बनवाना चाहिए। मैंने बनवा के रखा है, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैंने ऐसा ही गुप्त बॉक्स बनवाया है। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा इस बात पर फॉलो करें। तो आशा करता हूँ आज इसी वीडियो से थोड़ा सा आपको नॉलेज मिला है, तो आपके सामने कभी भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी चोरी वगैरह की। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।